नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूँ आपके साथ गुलिस्ता। आज हमारे साथ जुड़े हैं अभिषेक सिंह, जो हमें बताएंगे कि आपको जैसे कि याद होगा कि अतीक और अशरफ का हत्याकांड, जिसे बीते काफी वक्त हो गया है, लेकिन आज भी अतीक और अशरफ की उस हत्याकांड से लोगों की रूह कांप जाती है। एक ऐसे ऐसे अतीक हत्याकांड, अतीक और अशरफ का हत्याकांड, जिससे जिसमें तीन तीन आरोपी अब इसी हत्याकांड के ऊपर आपको बता दें कि 3 नवंबर को, यानी कि आज, जो हत्याकांड के आरोपित थे उनके ऊपर सुनवाई होगी। अब आपको याद होगा कि पहले की तारीखों में आरोपितों के अधिवक्ताओं की उपस्थिति नहीं होने की वजह से सुनवाई हो नहीं पा रही थी। अब 3 हत्यारोपियों सनी सिंह, लवलेश तिवारी और अरुण मौर्य प्रतापगढ़ की जिला जेल में निरुद्ध है और इनके खिलाफ आज फैसला आने वाला है। तो सर, आप बताइए कि इस फैसले में आप हमें थोड़ी जानकारी दीजिए इस फैसले के बारे में। बिल्कुल, ये मामला अतीक अहमद और अशरफ की हत्या का है। जब पूरे मामले में उनकी एक दूसरे मामले में उन्हें सजा सुनाई गई थी, और फिर अशरफ को सजा सुनाई गई और अतीक अहमद को जेल में रखा गया, और लगातार उनसे पूछताछ चल रही थी। उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद को साबरमती जेल से लाया गया था, अशरफ को बरेली जेल से यहाँ लाया गया था। गहमा गहमी चल रही थी। उसी गहमा गहमी के दौरान जब उन्हें अस्पताल में मेडिकल के लिए ले जाया गया, उसी दौरान उन्हें ताबड़तोड़ गोलियों का शिकार बना दिया इन शूटर्स ने, और मौके पे ही अतीक अहमद और अशरफ की मौत हो गई। बाकायदा वीडियो थे, वीडियो कैमरा चैनल के सारे चैनल के लोग शूट कर रहे थे, लाइव स्ट्रीमिंग हो रही थी कई चैनल्स में, और उसी दौरान ये हत्याकांड को अंजाम दिया गया। तीनों ने बताया कि उन्होंने सुपारी लेकर मारा, कुछ ने शुरू में गुमराह करने की कोशिश की। अरुण मौर्य ने कहा कि अतीक अहमद से बड़ा नाम बनना चाहता है। सारी बातें होती रही और तमाम स्पेकुलेशंस चलती रही कि आखिर कौन है पीछे, हत्या किसने कराई है, किसी का नाम अभी तक सामने नहीं आया। उसके बाद मामला ट्रायल पर, यानी कोर्ट की जो अपनी कार्रवाई है या पुलिस की जो अपनी कार्रवाई है, या सप्लीमेंट्री चार्जशीट लगाने का दौर शुरू हुआ, फिर चार्जशीट लगाने का दौर शुरू हुआ, और फिर कोर्ट ने इसकी सुनवाई शुरू की। और अब वो दौर आया है जब आरोप तय हो रहे हैं एक दूसरे पर, यानी तीनों आरोपियों को कोर्ट के समक्ष पेश किया जा रहा है उस चार्जशीट के आधार पर जो अतीक अहमद और अशरफ की हत्या को लेकर बनाई गई थी, और आज इन तीनों पर आरोप सिद्ध होने हैं और जो ट्रायल है वो शुरू हो गया, यानी कोर्ट में जिरह होगी पूरे मुकदमे को लेकर किस तरह इन्होंने हत्या को अंजाम दिया। इनकी भी गवाही होगी, इन प्रेजेंट होंगे कोर्ट में, यानी फिजिकली इन्हें कोर्ट में प्रेजेंट रहना होगा। इनसे भी पूछताछ की जाएगी कटघरे में होकर कि आपने घटना क्यों अंजाम दी, किसके कहने पर अंजाम दी, उसमें हो सकता है ये लोग कुछ जवाब दें। लेकिन अब तक बड़ी लंबी रिमांड में, यानी एसटीएफ ने रिमांड ली, यूपी पुलिस ने रिमांड ली, प्रयागराज पुलिस ने रिमांड ली, लेकिन रिमांड के दौरान इन तीनों ने मुंह नहीं खोला, किसी का नाम सामने से नहीं बताया कि घटना को अंजाम किसने दिया। शुरू में ये लोग कई सारे लोगों का नाम ले रहे थे, इन्होंने पहले शुरू में अपने खुद को ही बताया कि हम तीनों ने इस घटना को अंजाम दिया। फिर इसके तार कहीं से लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ते हुए नजर आए। ये पता चला कि जिगाना पिस्टल, जिस तरह के सोफिस्टिकेटेड वेपन है, अजरबैजान में बाकायदा फोर्सेस यूज करती हैं इसे, फिलीपींस पुलिस इसे यूज करती है, और इस तरह का सोफिस्टिकेटेड वेपन इनके पास कहां से आया, तो जानकारी हुई उस तस्करी के खेल की कि कैसे पंजाब में पाकिस्तान से उड़ने वाले ड्रोन इनके स्पेयर पार्ट फेंकते हैं पंजाब और पाकिस्तान बॉर्डर पर, और फिर कैसे ये हथियार सोफिस्टिकेटेड वेपन को असेंबल किया जाता है, और फिर इन्हें इस तरह के जो हाई प्रोफाइल गैंग्स हैं, माफिया गैंग्स हैं, इन तक पहुंचाया जाता है, जो इस तरह की हाई प्रोफाइल घटनाओं को अंजाम देने के लिए, यानी अचूक हथियार का इस्तेमाल करने के लिए, इस तरह के हथियारों का इस्तेमाल करते हैं अचूक घटनाओं को अंजाम देने के लिए। लिहाजा इस तरह की जांच अभी चल ही रही है। अंदरूनी तौर पर अतीक अहमद और अशरफ को मारने वाले जो लोग थे, यानी शूटर्स थे, वो जरूर गिरफ्तार हुए, लेकिन पीछे बैठे मास्टरमाइंड के बारे में अभी भी पूरी तरह पुलिस के जांच एजेंसी के हाथ पूरी तरह खाली है। एक एसआईटी भी बनाई गई है जिसमें एक्स जज, पुलिस अधिकारी और बाकी तमाम लोग मौजूद हैं, लेकिन अभी तक इतनी लंबी पूछताछ के बाद भी उसके गिरेबान तक हाथ नहीं पहुंच पाए जो वाकई इस घटना को अंजाम देने के पीछे जिसमें पूरी साजिश रची है। हालांकि आज कोर्ट में पेशी है, दिलचस्प होगा देखना ये लोग कोर्ट में क्या कुछ कहते हैं जब इन्हें कटघरे में खड़ा करके जज साहब के सामने पूछा जाएगा। वकील, यानी सरकारी वकील, जब पूछेंगे कि घटना को अंजाम क्यों दिया, किस तरह दिया, किसके कहने पर दिया, उसका क्या जवाब देते हुए दिखता है, ये देखना दिलचस्प होगा।
जी, तो आपको हम बता दें कि जो जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी गुलाब चंद्र ने बताया कि हत्यारोपितों अरुण नवलेश और सरी सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 302, 307, 302, 120 बी, 419, 420, 467, 468 आईपीसी और आर्म्स एक्ट और 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट के तहत उनके विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया है और नियत तिथि पर इन्हीं धाराओं के अंतर्गत आरोपियों को उनके आरोप तय किए जाएंगे। आरोपितों के खिलाफ उनके जो आरोप हैं वो इन्हीं धाराओं के खिलाफ तय किए जाएंगे, इन्हीं धाराओं को मद्देनजर रखते हुए तय किए जाएंगे। और इसी के साथ अतीक अहमद के जो गनर की जमानत है उसको खारिज कर दिया गया है। न्यायालय ने कहा, न्यायालय का कहना है कि 5 करोड़ रुपए फिरौती मांगने का अतीक अहमद के गनर के ऊपर आरोप है और यह आदेश सत्र न्यायाधीश ने आरोपित की प्रार्थना पत्र और उसके अधिवक्ता के तर्कों और जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी के तर्कों पर पुलिस की ओर से प्रस्तुत किए गए कागजातों और सबूतों का अवलोकन करने के बाद दिया। कोर्ट ने कहा कि मामले की परिस्थितियों, अपराध की गंभीरता और उसमें संलिप्तता को देखते हुए जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने पर कोई पर्याप्त आधार नहीं है। तो अभी के लिए इतना ही, जैसे ही हमारे पास और अपडेट्स आती हैं तो हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल के लिए स्लाइड में इतना ही, और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। मैं अभिषेक सिंह का भी धन्यवाद करना चाहूंगी जो हमारे साथ इस लाइव में जुड़े। उन्होंने काफी कुछ हमें जानकारी दी है इस लाइव के बारे में, इस पूरे टॉपिक के बारे में इस लाइव में, तो उनका भी धन्यवाद। फिलहाल के लिए इतना ही, और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। हमें दीजिए इजाजत, धन्यवाद।